हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग गाइस। करंटली एससीएल में काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग वैकेंसी निकल के आई है गाइस, काफ़ी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी रहने वाली है। सो गाइस, जो भी कैंडिडेट फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, सो बोथ कैंडिडेट विल बी रिजर्व फॉर दिस जॉब। लेकिन करंटली जिसकी बीकॉम एमकॉम यहाँ पे कंप्लीट हुई है, बीबी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो वही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है, ऐसे कैंडिडेट है जिनकी यहाँ पे बीकॉम कंप्लीट हो गई है, एमकॉम कंप्लीट हो गई है, फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे जॉब स्विच कर सकते हैं या एज अ फ्रेशर आप अपना SCL के साथ बना सकते हैं गाइस। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको जो सारा क्राइटेरिया पे स्टेप बाय स्टेप समझ में आने वाला है गाइस। सो गाइस, करंटली SCL जिस शानदार प्रोसेस के तैयारी कर रहा है, मैं आपको जो पूरी डिटेल यहां पे शेयर कर देता हूं गाइस। सो गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो जैसे आप लिंक को ओपन करेंगे, आपको डायरेक्टली होने वाला कि मेगा वॉक एंड ड्राइव बीकॉम एमकॉम बीबीए एमबीए फ्रेशर कैन अप्लाई। और गाइस, शिफ्ट की बात करें तो टोटली नाइट शिफ्ट आपको देखने को मिल जाती है, कोई भी फिर डे शिफ्ट नहीं देखने को मिल जाती है। क्योंकि गाइस, SCL की बात करें तो टोटली एमएनसी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी पर रन करती है, तो इसमें रोटेशनल शिफ्ट में आपको जो है कंफर्टेबल रहना होगा गाइस। इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि यहाँ पर जीरो एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई करते हैं तो एज अ फ्रेशर के लिए आप बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। नंबर इसमें काफ़ी बल्क में इसमें हायरिंग है, लेकिन इसमें जो मेंशन है 10 वैकेंसी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली आप इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, यहाँ पे आपकी हायरिंग होने वाली है। और गाइस, यहाँ पर सैलरी नेगोशिएशन है, और गाइस एज अ फ्रेशर के अगर आप जाते हैं एज अ फ्रेशर, तो आपको सैलरी नेगोशिएशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 20 से लेकर 25,000 के बीच में आपको एज अ फ्रेशर यहाँ पे आपको हैंडसम सैलरी देखने को मिल जाती है। एंड पर्क्स एंड बेनिफिट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं गाइस। गाइस, इसमें बात करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इंटरव्यू देना जाना चाहते हैं, तो इसमें टाइमिंग वेन्यू की बात करें तो ऑलरेडी मैंने कहा 13 अप्रैल 13 अप्रैल को यहाँ पे 11:30 बजे से लेकर 3 PM तक आप कभी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, वहाँ पे हायरिंग चलने वाली है गाइस। और गाइस, बात करूँ इनके एड्रेस की, तो इनका एड्रेस है A89 महाराजा एग्रेसन मार्ग ब्लॉक ए नोएडा सेक्टर 60 और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में भी नोएडा सेक्टर 59 का। इस अगर आप नोएडा सेक्टर 59 जाते हैं तो वहीं से भी आप ई रिक्शा करके यहाँ पे 10 रुपीज में वो आपको ड्रॉप कर देगा SCL प्राइवेट लिमिटेड में, जहाँ के आप अपना इंटरव्यू वहाँ पे दे सकते हैं गाइस। और गाइस, बात करें यहाँ पे SCL इज हायरिंग फॉर बीकॉम बीबीए फ्रेशर, 5 डेज आपकी वर्किंग डेज रहने वाली है, तो आप समझ सकते हैं गाइस कितने इसमें जो है सैटरडे फंडे तो आपके वीक ऑफ नहीं देखने को मिल जाते, लेकिन आपको रोटेशनल वीक ऑफ देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब आपको यहाँ पे इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो है इंडक्शन राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेनिंग राउंड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है जानकारी प्रोवाइड की जाएगी कि इसमें फिक्स सैटरडे फंडे वीक ऑफ है या रोटेशनल में रहने वाली है गाइस। इसमें ऑलरेडी मेंशन की 2 रोटेशनल वीक ऑफ, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वीक ऑफ आपके रोटेशनल रहने वाले हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब रहने वाली है, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी नहीं रहने वाली है। तो गाइस, अगर आप करंटली दिल्ली में रहते हैं या नोएडा में रहते हैं, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना ना भूले गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको पास बीकॉम है, तो आप जो है बीकॉम की नॉलेज यहाँ पे रख के जाइए कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, और फाइनेंस के बारे में आप बताइए, तो फाइनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और गाइस, अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सैलरी एक्सपेक्टेशन आपको जो है एज पर कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा गाइस। तो गाइस, वही आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अगर आप नेगोशिएशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर आप करते हैं तो एक बैड इंप्रेशन वो पड़ने वाला है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, फाइनेंस का नॉलेज है, तो आप यहाँ पर नेगोशिएशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है गाइस। और गाइस, बोथ साइड कैप फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी आपको देखने को मिल रही है गाइस। रोल इन रेस्पॉन्सिबिलिटी बात करें, तो इसमें ऑलरेडी मेंशन कि बी रेस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स पेबल, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ग्लोबल क्लाइंट्स। बेसिकली जो आपका जो प्रोसेस रहने वाला है, टोटली एक इंटरनेशनल प्रोसेस पे जो भी रन करता है, क्लाइंट आपके आउट ऑफ इंडिया के रहने वाले हैं, तो जो भी आपको प्रोसेस होगा उसकी एक ट्रेनिंग होगी, 1 महीने तक ट्रेनिंग चल सकती है या जितनी भी रहेगी, तो पेड होने वाली है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन वो क्लाइंट के साथ रहने वाला है गाइस। इसमें ऑलरेडी मेंशन कि विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अकाउंट्स पेबल एक्टिविटी फॉर द असाइन एंट्रीज। सो गाइस, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि प्रेफर कैंडिडेट प्रोफाइल, इसमें बीकॉम बीए ग्रेजुएशन पास्ड आउट 2020 से लेकर 2023 तक यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। कैंडिडेट शुड बी कंफर्टेबल विद नाइट शिफ्ट, वी सेक फ्रेशर कैंडिडेट विद गुड अकाउंटिंग नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। बेसिकली आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर चेक किया जाएगा, आपको जो भी गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंट्स के बारे में थोड़ा जानकारी उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो भी एचआर के क्वेश्चन होते हैं। तो अब मैं रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले आप एचआर का यहाँ पे इंटरव्यू फेस कीजिए, क्योंकि जब तक आप इंटरव्यू फेस नहीं करेंगे, तब तक आपके पास स्किल्स नहीं होगा, आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी गाइस। अगर आप यहाँ पर रिजेक्ट भी होते हैं, तो किस कारण आप रिजेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अकाउंट्स के बारे में पूछा जाता है अकाउंट्स में अगर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो आपके माइंड में क्लेरिफिकेशन वो होने वाली है गाइस। तो गाइस, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव ही लेके चलना है, तभी आपके साथ
पॉजिटिव ही रहेगा गाइस। और गाइस हम ऑडियो मेंशन की देयर आर नो कैब रिस्ट्रिक्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट। और गाइस बात करें यहाँ पे कैब जोन फॉर फ्रेशर एक्सपीरियंस कैंडिडेट विद इन 20 किलोमीटर, तो इसमें क्राइटेरिया आप देख लीजिए कि अगर 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं तभी आपको जो कैब प्रोवाइड करेगी। आप 20 किलोमीटर के बाहर रहते हैं तो या तो आपको आना पड़ेगा या आपको ऑफिस में आना पड़ेगा, कैब नहीं मिलेगी। वी आर नॉट हायरिंग एनी द मेल कैंडिडेट बियॉन्ड द 20 किलोमीटर, मतलब अगर आप 20 किलोमीटर के अंदर बाहर रहते हैं तो आप हायरिंग आपकी नहीं रहने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं एक बार आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, डेफिनेटली आपके यहाँ पर हायरिंग होने वाली है गाइस। और गाइस इस मॉडल में मेंशन के इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन कम टू ऑफिस फॉर द फेस टू फेस इंटरव्यू राउंड। सो गाइस कैरी वन रिज्यूमे, वन आइडेंटिफाई प्रूफ, वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट से, एंड मैंने आपको यहाँ पर टाइमिंग बता दी है 11:30 लेकर 3 PM तक रहने वाली है। A8 महाराजा एग्रेशन ये एड्रेस रहने वाला है 59 में गाइस। और गाइस रेफरेंस मेंशन करना चाहते हो तो अमन छाबरा जी का आप जो है रेफरेंस मेंशन कर सकते हैं। डू नॉट करी एनी लैपटॉप, पेन ड्राइव एंड एनी स्टोरेज डिवाइस। तो गाइस ये कुछ क्राइटेरिया था जो कि SCL की रिगार्डिंग राइटिंग निकल के आई है गाइस। अगर यहाँ पे आपको सिलेक्शन हो जाता तो मल्टीपल आपको बेनिफिट भी देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे आप 1 ईयर अपना देते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रमोशन भी देखने को मिल जाता है, एक सैलरी भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाती है गाइस। गाइस एक टारगेट बना के रखिए, गोल बना के रखिए जिससे कि अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। छोटे छोटे गोल बनाइए, उसे अचीव कीजिए। जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन आप दीजिए, बार बार उसे जो है रिपीट कीजिए, चाहे आप मन मन में ही बोल रहे हैं लेकिन सब रिपीट कीजिए, जिससे कि आप जब फेस टू फेस यहाँ पर इंटरव्यू दें तब आपको वहाँ पर घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है गाइस। काफ़ी इंटरेस्टिंग वैकेंसी है गाइस, तो आप एक बार लिंक पर क्लिक कीजिए, डिटेल आप चेक कीजिए और फिर उसके बाद आफ्टर दैट यू विल गो फॉर इंटरव्यू राउंड फॉर फेस टू फेस गाइस। सो गाइस ये थी आज की अपॉर्चुनिटी जो कि टेक्निकल की आई थी SCL के रिगार्डिंग। सारे अपडेट्स मैंने आपको जो है प्रोवाइड करने की कोशिश की है, फिर भी आपका मैं कोई इशू है, कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में सजेशन देने की कोशिश करें, मैं आपकी जो पूरी हेल्प करने वाला हूँ गाइस। सो आई होप कि गाइस वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे न्यू अपडेट्स आपके लाते रहता हूँ गाइस। थैंक यू।